मॉर्निंग ऑल शोएब बख्तर। देखो बंदे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, एक ने डाला है व्हाइट, एक ने डाला है ब्लैक, मैं न्यूट्रल ब्लैक एंड व्हाइट। शोएब बख्तर हरभजन सिंह, वेलकम टू द ग्रेटेस्ट राइवलरी जेंटलमैन। थैंक यू जतिन, थैंक यू सो मच। गुड टू सी यू भाजी, गुड टू सी यू टू, गुड टू सी यू इन अ ब्लैक शर्ट एंड गुड टू सी मायसेल्फ इन अ व्हाइट शर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्चुअली रोल रिवर्स हो गया और हमें अपने आप को देख के ये तो नहीं लग रहा कि यार मेरी कमीज तूने पहन ली, तेरी कमीज मैंने पहन ली, क्योंकि नॉर्मली ये बंदा हमेशा जब मिलो, क्योंकि आप दोनों ने बड़े चैप्टर्स ऐड किए हैं इसमें, लेकिन आज कुछ अलग करने वाले हैं। मैंने तो इंट्रो कर दिया, बजूपा शेबी आपको अगर एक दूसरे का इंट्रो करना हो, बिकॉज एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, करियर को बड़ा सिंपल है तो फिर स्टार्ट। बड़ा सिंपल है, मैंने अभी टाइटल में तस्वीर देखी, बज्जी का मुंह उदास लग रहा है, मैं खुश लग रहा हूँ, इसका मतलब पाकिस्तान जीता हुआ थ्रू एंड थ्रू एशिया कप। सो ये दैट व्हाट इज इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट। तो हम तो जीते हुए ऑलरेडी बार लेनी वेज बज्जी के इंट्रोडक्शन कराना। बज्जी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गाय दैट यू कम अक्रॉस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शोएब अख्तर और हरभजन सिंह लाइव आए थे एक शो में। दोस्तों वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में क्या कह रहे हैं और ऐसे वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान गुड टीम है या इंडिया, और कौन सा जो है आगे है वो टॉप पर है। दोस्तों इस वीडियो में तफसील से बात होगी, रिएक्शन हम बनाएंगे, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे, इस वीडियो को लाइक अभी से करें। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, स्क्रीन पर आपको वीडियो शो हो रहा होगा, फुल वॉच करें। दशक तक इस राइवलरी में उतरे हैं तो फिर स्वागत करते हैं मेरे दो बड़े डियर फ्रेंड्स का, दो चैंपियंस का, हरभजन सिंह और शोएब अख्तर। देखो बंदे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, एक ने डाला है व्हाइट, एक ने डाला है ब्लैक, मैं न्यूट्रल ब्लैक एंड व्हाइट। शोएब अख्तर हरभजन सिंह, वेलकम टू द ग्रेटेस्ट राइवलरी जेंटलमैन। थैंक यू जतिन, थैंक यू सो मच। गुड टू सी यू भाजी, गुड टू सी यू टू, गुड टू सी यू इन अ ब्लैक शर्ट and good to see myself in a white shirt for the first time. Actually role reversal ho gaya aur humne apne aap ko dekh ke ye to nahi lag raha ki yaar meri kameez tune pehen li, teri kameez maine pehen li, kyunki normally ye banda hamesha jab milo, kyunki aap dono ne bade chapters add kiye hain isme, lekin aaj kuch alag karne wale hain hum. Maine to intro kar diya, bajupa shebi aapko agar ek dusre ka intro karna ho, because ek dusre ko bahut acche se jante ho, career ko bada simple hai to fir स्टार्ट। बड़ा सिंपल है, मैंने अभी टाइटल में तस्वीर देखी, बज्जी का मुंह उदास लग रहा है, मैं खुश लग रहा हूँ, इसका मतलब पाकिस्तान जीता हुआ थ्रू एंड थ्रू एशिया कप। सो ये दैट व्हाट इज इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट। तो हम तो जीते हुए ऑलरेडी बार लेनी वेज बज्जी के इंट्रोडक्शन कराना। बज्जी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गाय दैट यू कम अक्रॉस। बज्जी इज वन ऑफ द मोस्ट पेट्रियोटिक हिंदुस्तानी दैट आई केम अक्रॉस। Bhaji is one of the finest cricketers that India has ever had, and on top of that, he's a great father, he's a great husband, and he's a true Indian that is sitting right in front of your friend. Thank you, Shabi. ये यूट्यूबर है, ये इसको सारी बोलने की समझ बड़ी है, तो मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि शोएब अख्तर नहीं, मैं दिल से कहता हूँ हमेशा दिल से बोलते हैं शोएब। और मैं तो यही इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि रावलपिंडी एक ऐसी एक्सप्रेस जो मतलब जापान की गाड़ियों को भी फेल कर गई, इतनी तेज चलती थी, और वो रनअप जिसका दुनिया फैन थी, आज भी मैं कभी कभार वो स्लोमो में रनअप लगा के देखता हूँ कि स्लोमो भी लग रहा है बहुत तेज भाग रहा है, तो स्लोमो में भी भागेगा ना शोएब अख्तर, मुझे फिर भी पीछे छोड़ देगा। तो ये शोएब अख्तर है, अनबिलीवेबल क्रिकेटर, फ्रेंड, someone you know, we played lot of cricket together, spent lot of time together, it's lovely to see you again brother. A lot of questions that have come in from the media, so main kya karunga, I'll do one with Bajupa, one with Shebi. Bajupa, I'm starting with you. Yes, go on. Aapki thoughts on the Indian team for the World Cup, do you feel that India's got enough steam to create an impact in the tournament? Mere khayal se yaar isme do log missing hai is team mein, ek Yuzvendra Chahal और दूसरा अर्शदीप सिंह, क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर आई थिंक अगर नए बॉल के साथ बॉल अंदर लाता है शुरू में तो इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस इन द गेम, क्योंकि शुरू में अगर दो आउट करके दे देता है, ऐसा नहीं कि राइट हैंडल नहीं कर सकता, बट क्योंकि एक नेचुरल एंगल बनता है
लेफ्ट आर्म को देखिए कि लेफ्ट आर्म सिमर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें या फिर मिचेल स्टार्क की बात करें, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था। मिचेल स्टार्क का बहुत बड़ा इम्पैक्ट, पहले बॉल पर ब्रेंडन मैकेलम को आउट किया क्योंकि इनकमिंग बॉल विद टू लिफ्ट द कप, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग टू बी ऑनेस्ट। बजबा ऑन दैट नोट क्विकली मैं ये चैट यहाँ खत्म कर देता हूँ। डू यू ऑल्सो थिंक कि हमने कोई ऑफ स्पिनर नहीं लिया? रवि अश्विन नेम ऑलवेज कम्स अप बिकॉज जो एक्सपीरियंस है, यू नो द क्वालिटी दैट ही हैज, डू यू थिंक दैट समथिंग इंडिया इज मिसिंग एज वेल? या ऑफ कोर्स आई फील, देखो आपके पास अगर आप तीन स्पिनर चुनने हैं तो आपके पास वो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी होना चाहिए, लेग स्पिनर भी होना चाहिए और स्पिनर भी होना चाहिए। और अगर आप लेग स्पिनर चुन रहे हो और तो फिर मुझे लगता है कि शायद अगर आपको ऑफ स्पिनर नहीं भी चुनना है तो चल जाओगे, पर आपने लेग स्पिनर भी नहीं चुना और ऑफ स्पिनर भी नहीं चुना और रादर दो लेफ्ट आर्मर्स चुन लिए हैं, वो मेरे लिए एक हैरानी वाली बात है। फेयर एनफ। ये शोएब का क्या व्यू है उसमें? आई डोंट नो, क्योंकि शोएब क्योंकि हम इंडिया का प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। नो, आई एग्री विद यू। आई थिंक नॉट पिकिंग चार्ल इज बियॉन्ड मी, एंड अगेन आई थिंक हर्षदीप, आई थिंक अगेन वो अभी सेवी हो चुका है, वो इतना प्रेशर गेम खेल चुका पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, वो आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए था। बट प्रॉब्लम विद इंडिया, यू नो, जब इंडिया 150 या 200 पे आउट होती है ना, वो कभी बैट्समैन कम नहीं करेंगे, एक बॉलर कम कर देंगे, कहते बैटिंग बैट्समैन और बढ़ा दो। यार अगर आप 8 नंबर तक बैटिंग लेके जाओगे, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग यार? हम 8 नंबर तक तो बैटिंग नहीं आप खिला सकते यार, अगर पहले 5 कुछ नहीं करते तो 8 क्या करेगा? आई मीन 7 क्या करेगा, 8 क्या करेगा? जडेजा पे आप बैंक करते हो। So I think I literally believe that you are playing with one bowler less. Pakistan is obviously again Pakistan ke paas ek bowling all rounder kam hai. Main aapko apni taraf se bata deta hu.